So hello everyone welcome to our platform hope so my voice is completely audible to all of you tell me fast my voice is completely audible everything is clear to all of you okay so i welcome you on our platform and today we are going to discuss time and work which is one of the most important topic of quantitative aptitude जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर टाइम एंड एंड वर्क तो इसकी पहली क्लास है आज फाउंडेशन बैच में जिसमें हम बेसिक अप्रोच सीखने वाले हैं और मैंने आपको जैसे बताया था चाय की प्याली से सीखेंगे तो बिल्कुल चाय की प्याली का ही कंसेप्ट यूज करेंगे हम और बहुत बेहतर तरीके से जिसको भी अब तक दिक्कत आती थी अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस टॉपिक में बट अच्छे से राइट अप्रोच के साथ आपको फोकस के साथ बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड बने रहना है एंड शेयर विथ अदर्स ऑल्सो एंड डू कॉमेंट इन द चेट बॉक्स ओके सो बी एक्टिव इन द चेट बॉक्स एज वेल चैट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर सकते हैं तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो तो ठीक है वो फटाफट फड़ से लाइक कर दो मार्क कर दो यूर अटेंडेंस क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट अगर हम जनरली देखें तो टाइम एंड वर्क पे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप कैंपस एंड प्लेसमेंट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा इसमें में कैसे अटेम्प्ट करें जब केसेस डिफरेंट 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 आ जाते हैं। किस लॉजिक के साथ उसे हम uh, याद रखें कैसे पढ़े, कैसे पढ़ें किस अप्रोच के साथ सॉल्व करें इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा नॉर्मल तो सॉल्व करने लग जाता है लेकिन जब थोड़े केसेस में चेंजेस आते हैं थोड़ी सिचुएशन चेंज होती है तो हाउ टू डील दैट तो आज जो हम अप्रोच सीखेंगे उससे आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है ओके okay? तो चलिए एफिशिएंसी देखो यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा अब जैसे यहां पर आपको चाय की प्यालियां दिख रही है दो चाय की प्यालियां हाँ तो आपका जो काम होने वाला है ना वर्क होने वाला है वो आपका होने वाला है चाय पीने का आपको कौन सा काम देने वाला हूं मैं चाय पीने का देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में तो पर्टिकुलरली बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहां पर वो कुछ वर्क आपको मेंशन करें कि इतना है जनरली काम नहीं दिया जाता है तो हम काम को क्या मानेंगे चाय पीना आप कितने कप चाय पीना है कितनी प्याली चाय पीना है आपको ये भी मैं डिसाइड करवा दूंगा कैसे आएगा मतलब टोटल वर्क कुल कार्य को हम कैसे निकालेंगे तो पहले यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम याद रखिएगा फिर उसके बाद एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता अब ये कार्य क्षमता होती क्या है ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से निकलती मान के चलिए आपको दिया गया कोई आदमी दस दिन में एक काम करता है तो उसकी कार्य क्षमता कैसे निकलेगी पर डे पर डे ये तो टेन डेज में कर रहा है अब ऐसे ही जब हमको माइलेज निकालना होता है गाड़ी का है ना तो हम कैसे चेक करते हैं किलोमीटर पर आर कितने किलोमीटर चलती है एक घंटे में जब स्पीड हमारी बढ़ाते हैं हम चलो वो भी छोड़ दो माइलेज तो छोड़ दो यहाँ पर मैं स्पीड की बात करूं तो हम प्रति घंटे के हिसाब से काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं अगर हम 50 की स्पीड पे चल रहे हैं है ना 50 किलोमीटर पर आर की तो छह घंटे में कितना हो जाएगा हमारे डिस्टेंस तो आप बोलोगे फिफ्टी सिक्स आर थ्री तो उसने तो टोटल कितनी डिस्टेंस थ्री थ्री हंड्रेड किलोमीटर ये उसका कार्य हो गया भाई सिंपल सी बात समझो यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको है ना तो यही यहां पर भी आपको याद रखना है कि जो आप कैलकुलेट करोगे ठीक है वो एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी पर यूनिट ऑफ टाइम अब आपको आवर्स में टाइम दिया है आपको डेज में दिन में दिया गया है समय या आपको किसी और यूनिट में दिया गया उसके हिसाब से आप प्रतिदिन प्रति घंटे है ना पर आर पर डे के हिसाब से काम को निकालेंगे अब चलो एफिशिएंसी जो होती है तो मैंने बता दिया पर डे वर्क यहां पर लिखा है है ना क्योंकि जनरली डेज रहते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर डे मेंशन कर मैं अब टोटल वर्क कुल कार्य कैसे निकालोगे देंगे ही नहीं वो जब क्वेश्चन करेंगे ना जब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा अभी बस याद रखो कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बहुत टोटल वर्क क्या होता है अगर मैं आपसे पूछ लू टोटल वर्क तो आप बोलोगे कि सर टोटल वर्क तो कुल कार्य अब कैसे निकालेंगे मतलब जो हमारा टास्क है हंड्रेड परसेंट वर्क जो हमें कंप्लीट करना है वो टोटल वर्क हो गया अब वो निकालने के दो तरीके हैं दो तरीके कैसे यदि आपको दो लोगों से मतलब अट्लीस दो लोगों का समय दिया जाए, है ना? तो आप उसका क्या निकाल लोगे? पूरा किया उसी काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया बीस दिन में और काम क्या है हमारा भाई चाय पीना आप अदरक की चाय पी रहे हो आप इलायची की चाय पी रहे हो कुछ भी पियो भाई ग्रीन टी पीना है चाय ना? जो भी चाहे आपको कंसिडर करने हो कर लो बस याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है जो मैंने लॉजिक यहाँ पर यूज किया ना चाय पीने का उससे आप आसानी से क्या कर सकते हो अपने काम को बांट सकते हो जब आपको उसमें से कुछ कार्य हटाना हो तो आप आसानी से सब भी कर सकते हो क्योंकि काउंटिंग आसान हो जाती है तो ये आपको दिमाग में रख लेना है बस इतना ध्यान रख लोगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर चाय मैंने क्यों यूज करी इसकी जगह पर तो कुछ भी यूज हो सकता था है ना आप कॉफी यूज कर सकते कुछ जनरली चाय क्या है सबसे कनेक्ट कर जाती है है ना हमारे घर कोई भी आता है जब मेहमान आता है तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं चाय के लिए पूछते हैं पानी भी पूछते हैं चाय भी पूछते हैं राइट हम ऑफर करते हैं हम देते हैं चाय तो ये यार को चाय बहुत कॉमन है इंडियंस में तो इसलिए यहाँ पर ये जो कंसेप्ट मैंने यूज किया है ये वाला यूज किया तो चलो ए टेन डेज में कर रहा है बी ट्वेंटी डेज में कर रहा है एक टास्क को कंप्लीट ठीक है अब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे तो यहां पर पहले आपको चाहिए रहेगा टोटल वर्क क्या चाहिए रहेगा टोटल वर्क मतलब कुल कार्य तो 10 दिन में ए ने करा 20 दिन में बी ने करा दो लोगों के समय पता है ना तो इसका क्या ले लो एलसीएम और एलसीएम यहां कितना आ जाएगा 20 तो ये 20 टी अगर मैंने यहां लिखा है इसका मतलब है 20 चाय आपको 20 चाय पीनी है टोटल क्लियर है तो टोटल वर्क निकालने का एक ये तरीका हो गया दूसरा टोटल वर्क निकालने का है भाई याद रखना तो सिक्स फोर सर ट्वेंटी फोर कप्स ऑफ टी पी लेगा कि नहीं लेगा भाई एक आदमी एक दिन में चार चाय पीता है आप लोग मुझे फटाफट -फड़ से बताएंगे चैट बॉक्स में बी एक्टिव है ना चार चाय पीता है छह दिन में कितनी चाय पिएगा फटाफट बता दो तो आप बोलोगे चौबीस अगर मैंने आपसे पूछा एक आदमी एक दिन में बीस चाय पीता है तो ये बता दो आठ दिन में कितनी पिएगा तो आप बोलोगे बीस इंटू एक दिन में बी आठ तो बीस दिन में एक सौ साठ हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तरीका है टोटल वर्क निकालने का भाई कुल कार्य हमें एक दिन का काम पता है टोटल तो कितने दिन तक काम किया वो पता है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपका तो टोटल तो वर्क तो निकल तो आएगा अब बात आती है समय की आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कितने टाइम में काम होगा तो समय बराबर क्या होगा कुल कार्य और एक दिन का कार्य जो है वो है आपकी एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी आप करोगे तो आपका टाइम हमेशा निकल आएगा आप आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे भाई कितने दिन में आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो ठीक जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और बेहतर तरीके से आपको क्लियर होते चलेगा। अब अगर मैं तो ये क्या बता रहा है कार्य क्षमता और टी का मतलब अपोजिट का, मतलब तो होते हैं। मतलब अगर टाइम का जो रेशो है ना वो जस्ट रिवर्स होता है एफिशियंसी के रेशो के क्लियर है ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो टाइम का रेशो लेके है ना पूरा आप उसको रिवर्स कर दोगे तो आपका कार्य क्षमता का रेशो आ जाएगा का आ जाएगा चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो देखो मैंने सिंपल से यहाँ पर चाय वाला कंसेप्ट रखा हुआ है आपके लिए तो ये रही चाय है ना अदरक वाली चाय थी अब ये पीने का टास्क आप कितनी चाय पीनी थी देखो एक आदमी एक दिन में कितनी चाय पी लेता है तो यहाँ पर आपको देखेंगी छ मान लेते हैं चलो पर डे पी रहा है वो ठीक है उसने अगर चार दिन काम किया चार दिन कितने दिन तक फोर डे एक आदमी है जिसकी कार्य क्षमता है छ चाय पीने की प्रतिदिन अगर वो वो दिन दिन तक काम काम करता है तो वो काम कितने दिन में पूरा करेगा तो आप बोलोगे चार है ना चार दिन तक उसने काम किया अब एक दिन में छ चाय पी रहा है तो चार दिन में कितनी पिएगा चौबीस क्लियर है बस यही आपको बताने का मेरा आ, मतलब उद्देश्य था कि यहां पर आपको आसानी बहुत हो जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने में अब यहां पर थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं पहले किस किस टाइप के क्वेश्चन में उसके बाद है ना इस चैप्टर में आपको कितने डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में पाए जो बेसिक्स थे मैंने आपको समझा दिया टोटल वर्क क्या होता है टाइम है ना टाइम कैसे आप कैलकुलेट करोगे कार्य क्षमता क्या होती है अब इसके पार्ट हम देखेंगे टाइप वन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इंडिविजुअल वर्क और टीम वर्क इन अ डेज मतलब इंडिविजुअल वर्क मतलब किसी व्यक्ति विशेष का सेपरेट वर्क दिया हो एक काम को बी एक काम को सी एक काम को या उन तीनों को दे दिया जाए ए बी सी मिलकर है ना इस तरीके के काम दे दिया जाए चार लोग हो जाए तो लेकिन सेपरेट उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये ए है ये बी है ये सी है ये मिलकर काम कर ठीक है अब इसमें ये जो टाइप वन है अब इसमें बहुत वेराइटी है वेन ओनली टाइम इज गिवन जब केवल समय दिया गया क्या दिया गया हो आपको केवल समय दिया गया टाइम इज गिवन तब आपको कार्य करने को बोल सकते पूछ सकते होगा केवल आपको समय पता हो efficiency किसी की बात ना की जा रही है, है ना बी जो टाइप टू है वो क्या है लीव और ज्वाइन मतलब कार्य को बीच में छोड़ दिया किसी ने मान लो ए बी ने काम की शुरुआत करी ए और बी ने मिलकर फिर क्या हुआ कुछ टाइम बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ही काम करेगा इस तरीके की सिचुएशन या ए ने काम शुरू किया था कुछ दिन बाद बी ने उसे ज्वाइन कर लिया है ना एक्स डेज बाद मान लो इस तरीके की कंडीशन आपको दे दी जाएगी अब सी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है।, ये जो दो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वर्किंग इन ऑल्टरनेट डेज है ना आप समझो क्या बोल रहा हूं मैं ऑल्टरनेट डेज यहां पर ऑल्टरनेट डेज का कहने का मतलब क्या है ये ऑल्टरनेट डेज में वर्क करें पहले बोल दिया जाए ए ने काम शुरू किया है ना फिर अगले दिन बी करता है फिर वापस ए करता है फिर अगले दिन फिर बी करता है अब इसमें वैरायटी चेंजेस हो सकते हैं मैंने आपको बस यहाँ पर आइडिया दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन फिर क्या हो जब समय भी दिया गया हो किसी की एफिशियंसी भी किसी एक की या दो लोगों की किसी का भी एफिशियंसी के कार्य क्षमता के बारे में भी बात की गई हो है ना उनकी कार्य क्षमता एफिशियंसी के बारे में भी बात की गई तो ये मेजर टाइप है जो टाइप वन पे बेस्ड है उसके बाद देखो वेजेस बेस्ड ये सैलरी आय पे आधारित हो जाता है है ना कि कितना किसको मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन करना है काम के हिसाब से पैसों का टाइप थ्री वर्क विथ मेनी पीपल एक्चुअली वर्क इन ग्रुप है है ना इसको आप कर लो मेनी पीपल इसलिए लिखा मैंने जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए है, है ना बहुत लोगों के साथ काम करना बट वर्क इन अ ग्रुप यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं होगी यहाँ पर सीधा सीधा ग्रुप बोला जाएगा लोगों का कि भाई ट्वेंटी वेमेन फाइव मेन है ना इस तरीके से या ट्वेंटी बॉयज फाइव बॉयज फोर बॉयज तो यहाँ पर ग्रुप दिया जाएगा इतने दिन में काम कर रहे तो कुछ इस टाइप का ये टाइप थ्री होगा तो ये विशेषकर इसके टाइप है और आपको मैं बता दूं कि जो पाइप एंड सिस्टम भी है, पढ़ते हैं हम नल तथा टंकी वाला जो चैप्टर है उसकी भी अगर मैं बात करूं तो वो भी टाइम एंड वर्क का ही है अलग से बताया जाता है उसको लेकिन वो भी टाइम एंड वर्क के ही कंसेप्ट है इसी का एक पार्ट चलो तो स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से आंसर के ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन टेन डेज फिफ्टीन डेज रिस्पेक्टिवली A और बी ए कार्य को क्रमशः दस दिनों और पंद्रह दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अभी बात क्या की गई वो समझो अब काम होगा कैसे कैसे आपको पता करना है क्या आपको नीड पड़ेगी सब कुछ समझ में आ जाएगा है ना किस तरीके से अप्रोच लगाने वाले वालोंप्ट को यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे मैंने वहां पर आपको बताया कि क्या क्या फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब उनका यूज कैसे होगा कैसे हम निकालेंगे आंसर वो देखेंगे तो देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ए और बी का दिया गया है है ना एक कार्य को क्रमश दस और पंद्रह दिनों में तो यहाँ पर ए ने एक काम को दस दिन में पूरा किया है तो बी उसी काम को पंद्रह दिन में कर रहा है ये याद रखो है ना देन इन हाउ मेनी डेज द बोथ टुगेदर विल कंप्लीट द होल वर्क तो वो दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे है ना पूरे कार्य को तो ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे अब आप लोगों से आंसर की उम्मीद है सो आई एम गिविंग यू थर्टी सेकेंड्स ट्राई करो इसे कैसे करो अब यहां दिया क्या गया है आपको देखो सबसे पहली अप्रोच क्या है आपको हमेशा कार्य निकालना है टोटल वर्क क्योंकि अगर आपको पता करना है समय तो समय कैसे निकलता है भाई इसमें टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो आपको पहले कुल कार्य पता हो और उसके बाद कार्य क्षमता भी पता हो तो कार्य क्षमता निकालने के लिए पहले आपको टोटल वर्क को तो पता हो भाई क्योंकि अगर मुझे ए की पता चल गई कि पर डे कितना आ, काम करता है एफिशिएंसी ए की कितनी है बी की पर डे एफिशिएंसी कितनी है तो मैं दोनों को टोटल कर लूंगा तो मुझे ए और बी दोनों की मिल जाएगी एफिशिएंट टुगेदर साथ में कितनी होगी है ना ऐड करने पे तो चलो यहाँ पर देखिए अब कितनी चाय पीनी थी आप ये रखो कितनी चाय आपको टोटल पीनी है निकालना है तो यहाँ पर केवल समय दिया गया टोटल वर्क निकालने का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो क्या बताया था भाई अगर सिर्फ समय दिया गया हो तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो उससे भी टोटल वर्क आ जाता है तो यहाँ पर फटाफट -फड़ से दस और पंद्रह का एलसीएम कितना होगा तो 10 15 का। तो एंड का देखो एलसीएम निकालना है हमको सबसे अच्छी ट्रिक बड़ा नंबर कौन सा है फिफ्टीन फिफ्टीन के टेब, टेबल में डिवाइड हो सकता है भाई टेन तो वहीं डिवाइड हो सकता है जहां पर यूनिट डिजिट आखिरी अंक जीरो हो सो फिफ्टीन टू जटी थर्टी में हो जाएगा सो एलसीएम बड़े नंबर का टेबल काउंट किया करो बाकी बचे हुए नंबर जहां पर भी उसमें डिवाइड हो रहे हो वो उसका एलसीएम हो जाता है ये एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं ठीक है जो आप कई जगह पर फॉलो कर सकते हैं चलो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर तीस चाय पीने का कितनी चाय पीनी थी ए और बी को तीस चाय पीने थी ठीक है मतलब टोटल वर्ग कितना है तीस चाय पीने का ए वो तीस चाय कितने दिन में पीता है दस दिन में अगर ए तीस चाय दस दिन में पीता है तो एक दिन में देखो एफिशिएंसी क्या होता है पर डे वर्क होता है प्रतिदिन क्योंकि डे है तो दिन के हिसाब से निकलेगा कितनी चाय पिएगा तो आप बोलोगे तीन चाय तीस बटे दस वही बी पंद्रह दिन में तीस चाय पीता है तो एक दिन में तीस बटे पंद्रह क्लियर है समझो तो हमें क्या निकालना है ए और बी मिलकर कितने दिन में कारण करी भाई कुल कार्य हमें पता है लेकिन ए और बी की एफिशिएंसी पता होना जरूरी तभी तो हम पता कर सकते हैं वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी होगी तीन चाय पी रहा है ए एक दिन में और बी पी सकता है दो। दोनों मिलकर कितनी चाय पी लेंगे एक दिन में जल्दी बता दो फटाफट -फड़ से पांच चाय पर डे तो तीस चाय कितने दिन में पियेंगे क्लियर है थर्टी बाय फाइव भाई पांच दिन में सॉरी एक दिन में पांच चाय अगर वो पीते हैं तो तीस चाय थर्टी बाय फाइव सिक्स डेज तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा छह दिन आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है अब उसमें क्या दिया गया देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था पहला वाला उसमें दो लोगों की बात की गई एक काम को इतने दिन में बी इतने दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे तो सबसे पहली आपकी चीज है कुल कार्य आपको निकालना है।, है ना उसका तरीका मैं बता चुका हूं जब टोटल वर्क आपका आ जाए उसके बाद आपको क्या पता करनी है भाई ए और बी की कितने दिन में करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी पता कर लो बस आपका आंसर आ गया चलो। together, अब चलो ए और बी अकेला उस काम को छह दिन में पूरा पंद्रह दिन में पूरा कर लेता है चलो ठीक है ए प्लस बी है ना वो एक काम को कितने दिन में पूरा करे दोनों मिलकर एक काम को छह दिन में कर रहे हैं बी अकेला उस काम को पंद्रह दिन में कर रहा है तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करे आपसे पूछा गया तो कुछ मत करो फटाफट -फड़ से एलसीएम वाले में चले आओ पंद्रह और, और, और छह में बड़ा नंबर कौन सा है डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं है ना जहां पर आपको कई नंबरों में बहुत आसान पड़े गए तो बड़ा नंबर पंद्रह पंद्रह में छह का डिवाइड होता है नहीं पंद्रह दुनी तीस फिफ्टीन टू थर्टी थर्टी में होता है यस तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 30 तो जब आपने यहाँ पर एलसीएम निकाला है ना तो टोटल का कितना निकला 6 एंड 15 के एलसीएम से तो आप बोलोगे निकला 30 चाय पीने का मतलब आपका टारगेट 30 चाय कंप्लीट करने का अब ए और बी मिलकर 6 दिन में 30 चाय पीते तो पर डे कितनी पी रहे होंगे भाई जिससे 6 दिन में कर लिया ऑन एन एवरेज पांच चाय ठीक है उनकी जो एफिशिएंसी निकली वो कैसे निकली पांच चाय और इसके लिए मैं बता भी चुका हूं सबसे अच्छी अप्रोच आपने तीन किलोमीटर की डिस्टेंस अगर तो टोटल वर्क तीस था आपने छह दिन में पूरा किया तो एक दिन में कितना पांच अब ऐसे ही पंद्रह दिन में तीस चाय पीता तो एक दिन में कितनी चाय पिएगा दो चाय पिएगा क्लियर है ठीक है चलो अब दोनों मिलकर बोले गए हैं क्या नहीं यहां समझो बात आपको निकालना है आप ए कितने दिन में करेगा तो तो भाई टोटल वर्क तो चाय का है वो मुझे पता है कि टोटल वर्क तो चाय पीने का लेकिन क्या मुझे एफिशिएंसी पता है? तभी तो मुझे एक दिन में वो कितना काम करता पता हो तो मैं उसका डिवाइड कर दूं टोटल वर्क में तो मुझे दिन निकल आएंगे मेरे डेज निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे तो आप बोलोगे बिल्कुल निकल आएंगे तो बस वही बात थी यहाँ पर आपको थर्टी पता है चलो ठीक है A की एफिशिएंसी कितनी, तो कितनी, कितनी? So, मतलब होगी अब तीस चाय कितने दिन में फिर तीस बाय तीन मतलब दस दिन में क्योंकि एक दिन में तीन चाय तो तीस चाय दस दिन में क्लियर है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते है. अब यहाँ पर थोड़ा वैरायटी चेंज हो रही है

बी ही नहीं है बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क तो ये बताओ भाई यदि किसी कार्य को दस दिन में पूरा कर सकते हैं तो बिल्कुल तो सर, तो है सर ए और बी का दिया गया बस इसमें नाम चेंज कर दिया भाई बी का हमें यह बता दिया ए कितने दिन में करता बी का पता करना वैसी कंसेप्ट से कर लेंगे चलो कर लो उस कंसेप्ट से बताओ भाई किस किस का आ जाता है जल्दी से तो बोलोगे सर नहीं आएगा क्या बिल्कुल यार अप्रोच तो लगाएंगे ना चलो यहां देखो अब ये ए और बी मिलकर एक काम को दस दिन में करना है ए उस काम को दिन में है बी का आपको पता करना तो पहले तो पहले आप ले लोगे एलसीएम जो भी समय दिया गया दो आपके पास टाइम थे दस और छे इसका एलसीएम लोगे तो टोटल वर्ग कितना आ जाएगा भाई दस बड़ा अंक है ना इसके टेबल में छह कहा डिवाइड होता है टेन में होता नहीं टेन टू हजार ट्वेंटी में नहीं टेन थ्री हजार थर्टी में यस तो तीस ठीक है तीस टोटल का अब एफिशिएंसी अगर मैं चाहूं ना तो ये जस्ट ये जो टाइम का रेशो है से उल्टा करके क्या है ना जितना सिंपलीफाई हो रहा कर लोगे ना तो भी आपका एफिशिएंसी निकल आता है है बट अभी अभी आप इससे समझो ठीक ये देखो दस और 6, तो अगर दस दिन में तीस चाय तो एक दिन में और भी कितनी पियेंगे तीन चाय प्रतिदिन छीस चाय पी रहा है तो वो एक दिन में कितनी चाय पिएगा पांच चाय प्रतिदिन बी कितनी फिर बी कितने दिन में करेगा वो काम ये बता दो तो बोलोगे भाई बी का भी तो पता हो एफिशिएंसी पता होना जरूरी है अगर कार्य क्षमता नहीं पता पर डे कितनी होगी प्रतिदिन बी कितनी पूरी करता टोटल वर्क तो पता तीस जाएगा अब एक दिन में कितना काम करता तो पता चल जाएगा टोटल उसे कितने दिन लगेंगे डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में तो लेकिन यहां पर आप क्या करोगे आप बोलोगे सर ए और बी की एफिशियंसी तो टोटल तो 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 तीन है ए की पांच है माइनस कर दो तो दो आ जाएगा और दिन आंसर हो जाएगा नहीं ये गलत है समझो क्यों यहां ऐसा लिखा था क्या काम को बर्बाद कर रहा है या इसमें से कोई काम को डिस्ट्रॉय कर देता है उल्टा वर्क वर्क करता करता नेगेटिव कर नहीं। यहां दिया एक काम को ए और बी साथ मिलकर कर रहे हैं वो दस दिन में कर रहे हैं और ए उस काम को दिन में कर यहां बात समझो ए और बी की एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए थी कि नहीं अगर वो सेम काम कर रहे हैं ए से चाय पीने का ही काम कर रहे हैं अब यहां पर ए से ज्यादा होनी थी अकेले ए से क्योंकि बी आ गया वर्क मदद करने तो कुछ तो ज्यादा होनी चाहिए थी यहां उल्टा है ए और बी को ज्यादा समय लग रहा है अकेले ए से काम करने में जो कि पॉसिबल ही नहीं है तो इसमें क्या है आप बोलोगे डेटा एरर क्वेश्चन में एरर है यहां पर क्या है क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ दिया है मैंने आपको जिससे आप ये समझ पाओ कि भाई इन चीजों का भी ध्यान रखना है क्योंकि देखो यहां पर तीन में से पांच घट्टा हो माइनस दो बचेगा तो भाई मतलब वो चाहे फेंक दे रहा है क्या पीने की जगह पर है ना अगर देखो डिस्ट्रॉय करने वाले काम भी आते हैं मतलब क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई बर्बाद कर रहा है काम को लेकिन यहां ऐसा नहीं दिया गया यहाँ पर वो सेम काम ही कर रहे थे कंप्लीट पूरा ही कर रहे हैं कार्य जो कि पॉसिबल नहीं है अगर ए और बी दस दिन में करते हैं तो ए अकेले को दस से ज्यादा दिन ही लग रहे होंगे लेकिन यहाँ तो दिया जो कि पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर डेटा एरर है क्वेश्चन क्लियर है चलो अब अगले पर चलते हैं

जनरली भी कंपेयर करोगे ना तो भी आसानी से समझ में आ जाएगा ये फंडा क्या बता रहा हूं चलो ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 12 15 डेज रिस्पेक्टिवली अब क्या बोला है भाई ए बी और सी एक काम को 10 12 और 15 दिन में पूरा करते ठीक है अब यहां पर हम बात करते कार्य क्षमता की प्रतिदिन वो हमें नहीं पता हमें ये पता है कि ए बी और सी एक काम को दस बारह पंद्रह दिन में करते हैं तो अब आप ये बोल सकते हो सर आप टोटल वर्क निकालना है पहले तो दो लोगों का समय दिया जाता था उसकी हम लोग क्या करते थे उसका एलसीएम ले लेते थे यहाँ पर भी हमें केवल समय दिया गया तो आप टोटल वर्क पहले सबसे पहला काम है कुल कार्य कितनी चाय पीनी है आपको कितने कप चाय पीनी है यह आप पता करो तो आप कैसे पता करोगे आप जो दिया गया समय है इसका एलसीएम ले लो एलसीएम ऑफ एंड एलसीन है ना ये आपका टोटल वर्क बता देगा तो आप कैसे निकालोगे 12 और का एक डायरेक्ट तो आप देखो, सबसे ना। बस पंद्रह का टेबल और वहां देखो बारह हो जाता है तो जल्दी से बता देंगे फटाफट से फिफ्टीन वन सारिफ्टी ट्वेल्व डिवाइडी पंद्रह दो नहीं तीस तीस में दस का हो जाता है लेकिन बारह का नहीं होता फिर फोर्टी फाइव आ जाएगा फिफ्टीन थ्री हो रहा अब ये साठ में पंद्रह का डिवाइड तो होता ही होता है क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में बारह का भी हो जाता है और दस का भी हो जाता है। तो आपका जो एलसीएम निकालने की टेक्निक मैंने बताई है ये आप जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हो है ना आसानी से इंप्लीमेंटेशन होता है ठीक अब देखो यहां पर सीधी सीधी बात

फटाफट तो चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहो है ना मजा आना चाहिए एंड अगर अब तक कंजूसी करिए लाइक करने में तो लाइक कर दी सेशन को मार्क करिए अपने अटेंडेंस को शेयर सो चल अब देखो दस दिन में साठ चाय कंप्लीट करता है ए तो एक दिन में कितनी पिएगा जल्दी बता दो भाई छह चाय पर डे ठीक है आपके सामने देखो ऐसे निकालते भी चल रहा हूं मैं जिससे डिटेल में क्लियर है साठ चाय ये टोटल वर्क था बीस काम को बारह दिन में पूरा कर रहा था एक दिन में वो कितनी चाय पिएगा फटाफट -फड़ बताओ पांच छ चाय एक दिन में पर डे ये पर डे है ना ऐसी सी एक दिन में पंद्रह चाय पी रहा था सॉरी हाँ पंद्रह दिन में साठ चाय पी रहा था तो एक दिन में चार चाय अब हमसे क्या पूछा गया है कि वो साथ मिलकर काम करेंगे बच्चों तो वो कितने दिन में पूरा ये बेसिक डेवलप हो रहा है क्योंकि आगे एडवांस क्वेश्चन करेंगे है ना तो ये बेसिक क्लियर होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है है ना चलिए अब ए बी सी तो देखो टोटल वर्क आपको पता है कितना है साठ चाय का सी की एफिशिएंसी निकालना जरूरी थी टोटल वर्क तो पता है अब हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं तो ए बी और सी मिलकर कितनी चाय पी लेंगे छह पांच ग्यारह चार पंद्रह चाय एक दिन में अगर वो मिलकर काम करें तो भाई कम तो काम तो कम दिन में पूरा हो जाएगा फटाफट -फड़ से साठ चाय टोटल थी छह का डिवाइड कर दो दस दिन में काम कंप्लीट कर लेते क्या सॉरी माई मिस्टेक यहां पंद्रह आएगा मैंने जल्दी जल्दी में यहां पर चेलिया पंद्रह चाय एक दिन में पी रहे थे वो लोग समझना मेरी बात को तो चाय कितने दिन में, में कैसे आ इस के वो ये पूछ सकते हैं तो आप मुझे ये बता दो ए बी और सी उसी कार्य का 40 प्रतिशत कितने दिन में पूरा करेंगे

बी ठीक ये मैंने बोल दिया अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ आ, अगर मैंने आपसे पूछा तो चलो ठीक है ए दस परसेंट उस काम का कितने दिन में पूरा करेगा ए उसी काम का दस परसेंट तो ये क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं था समय पता है ना देखो हंड्रेड परसेंट वर्क के लिए आपको हंड्रेड परसेंट समय लगेगा बोलोगे हाँ तो अगर मैं पूछूंगा दस वर्क तो दस समय लगेगा जो टोटल था उसका तो अगर मैंने पूछा आपसे ए उस काम का दस परसेंट कितने दिन में पूरा करेगा तो आप बोलोगे दस दिन में पूरा काम कर रहा था तो दस परसेंट कितने दिन में करेगा टोटल टाइम के दस परसेंट में टोटल टाइम ए के लिए उसका दस परसेंट निकालो दस बाय दस मतलब एक दिन में सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा चलो बी उस काम का पच्चीस प्रतिशत कितने दिन में पूरा करेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट इन हाउ मेनी डेज ही विल फिनिश तो आप बोलोगे बस ट्वेंटी फाइव परसेंट टोटल टाइम कितना था उसका देखो काम का जितना परसेंट बोले उतना ही टोटल समय का भी निकाल लो है ना भाई हंड्रेड परसेंट वर्क के लिए हंड्रेड परसेंट टाइम लग रहा है आपको तो वर्क के लिए 25 समय लगेगा तो बारह का पच्चीस परसेंट चार का तो डिवाइड करते हैं हम है ना तो ट्वेल्व बाय फोर मतलब थ्री डेज समझ गए मेरी बात अब ऐसे ही ए बी सी को चालीस परसेंट काम करने के लिए कितना समय लगेगा तो आप बोलोगे जो भी टोटल वर्क था फोर डेज का था उसका है ना फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट मतलब टू फिफ्थ सो टू फिफ्थ ऑफ फोर डेज अगर वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो देखो बहुत आसान है अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाता चलो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे कैसे निकालते भाई टोटल वर्क तो साठ चाय चलो ठीक है अब आपको ये निकालना है कितने टाइम निकालना है ए और बी का कितने दिन में करेगा पूरा फटाफट से बता दो तो आप बोलोगे सर टोटल काम तो था मेरे पास बट मुझे एफिशिएंसी एक प्रतिदिन का काम भी तो चाहिए ना उसकी एफिशिएंसी चाहिए तब तो मैं उसका समय निकाल एक दिन में कितनी चाय पीता तो टोटल पता है तो आपको पता है, जी सर है, बी की पता है, जी सर पांच है दोनों को एड कर दो इलेवन बस सिक्सटी बाय इलेवन कर दो फाइव फाइव डेज क्लियर है सिमिलरली अगर मैंने पूछा होता बी और सी तो बस बी और सी कंसीडर कर दे पांच और चार बी की पांच है एक दिन में सी कितनी चाय पीता है चार चाय पीता तो दोनों मिलकर नौ चाय पी लेंगे और पीनी कितनी चाय थी साथ, साथ बटे no. तो यहां पर आपका निकला है ना ऐसे ही आप ए और बी का निकाल चुके बी और सी का निकाल चुके आप सी और ए का आप मुझे बताओगे होमवर्क है आपके लिए प्रैक्टिस के क्लियर है इस तरीके की बहुत ज्यादा पूछा तो बच्चे कंफ्यूज होते फोर्टी परसेंट या जो पूछा था वो तो हम कर लेंगे लेकिन ये 30%, ये किस हिसाब से बांट देते कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसीलिए तो बोल रहा था चाय वाला याद रख लो चाय दिमाग में रहेगी चालीस चाय पीनी थी अब इसका या तो आप करो भाई काम को उतना परसेंट कर लो काम को उतना परसेंट मतलब अब साठ चाय पीने का काम था अब मुझे अगर कोई बोल दे पंद्रह परसेंट या दस परसेंट काम करना तो अब छ चाय पीनी होगी अब ये छह चाय एफिशिएंसी के हिसाब से निकाल लो या टाइम निकाल लो सबसे अच्छा

एक काम को पूरा कर रहे हैं बारह दिनों में समझना बात बी और सी मिलकर उसी काम को पूरा कर रहे हैं कितने दिन में वाइल बी एंड सी एंड सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क इन एंड ट्वेंटी में पूरा कर सकते हैं जबकि बी और सी सी एंड ए उसी काम को क्रमशः पंद्रह और बीस दिन में पूरा कर सकते हैं समझो तो बी और सी ने पंद्रह दिन और सी और ए ने मिलकर कितने दिन में किया बीस दिन में पूरा किया क्लियर है सभी को तो ये बताओ यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर मतलब ए पी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर आप लोग निकाल सकते हो बहुत आसानी से कुछ भी नहीं है वही वही चीज टोटल वर्क का कैसे निकलेगा एलसीएम ले लो अब बारह पंद्रह बीस में बड़ा नंबर बीस है बीस के टेबल में देख लो कहां पर बारह पंद्रह डिवाइड हो जाते हैं एलसीएम निकाल लो फटाफट से ठीक है बेसिक से निकालोगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो दैट्स आई एम टेलिंग यू दिस ट्रिक है ना तो आप आसानी से कर पाओगे आपको प्रॉब्लम बहुत ही कम जहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर ना दिए गए अगर ऐसे दिए जाएंगे भाई बहुत ज्यादा नंबरों में कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर वहां पर थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन जा सकता है अदरवाइज बहुत ईजी ट्रिक है चलो ट्वेंटी फिफ्टीन एंड ट्वेल्व सो ट्वेंटी ट्वेंटी के टेबल में पंद्रह का डिवाइड होता नहीं ट्वेंटी uh, में होता नहीं ट्वेंटी टू जर फोर्टी फोर्टी में ना बारह का होता है ना पंद्रह का ट्वेंटी थ्री सिक्सटी बीस में पंद्रह का भी डिवाइड होता है बारह का भी होता है मतलब यहाँ पर एलसीएम आपका हो गया 60 मतलब आपको पीनी कितनी अभी तक साठ ही चाय चल रही है अभी चेंज होंगी है ना आप बोलो तो बारह बारह सो चाय का टारगेट है तो भैया नहीं भाई बहुत नुकसान कर जाएगी <laughs> चलो ठीक है अब देखो यहाँ पर ये तो निकल आया आपको ए बी बारह दिन में कर रहे हैं बी और सी पंद्रह दिन में कर रहे हैं सी और ए तीस दिन में कर रहे हैं ठीक है अब मैं बात करूं यहाँ पर चलो तो ये बताओ मुझको कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात कर लूँ चलो है ना हम बात किसकी कर रहे हैं एफिशिएंसी की अगर 12 दिन में साठ चाय तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितनी पियेंगे पाँच चाय पर है ना ठीक है अब ऐसे ही यहाँ पर बी और सी पंद्रह दिन में साठ चाय तो एक दिन में दोनों मिलकर चार चाय पी सी और ए बीस दिन में साठ चाय तो एक दिन में पियेंगे तीन चाय क्लियर देखो सिंपल समझना अब आपको निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस चाय को कितने दिन में है ना चलो इस तरीके से समझाता हूँ जिस तरीके से मैं पहले लिख रहा था वो बहुत अच्छे से क्या होता है रिप्रेजेंट हो जाता है ना तो आपको क्लियर रहता है B और C, C और ठीक है इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया अब जब मैंने लिखा है तो मैं आपको समझाते चलता ही हूँ टाइम आपको पता ही था इनका बारह था पंद्रह था और बीस था एफिशिएंसी भी हमने निकाल ली थी ना पांच पर डे चार चाय पर डे तीन चाय पर डे अब आपको बताना है कि बताओ तीनों मिलकर क्या करेंगे तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे अब यहाँ पर दिक्कत क्या देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था ए हमारे पास अलग था अगर पिछले क्वेश्चन में जाऊं ना मैं यहाँ देखो ए था बी था सी था तीनों को जोड़ दिया तीनों की एफिशिएंसी आ गई तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था क्वेश्चन बट यहाँ पर अगर मैं देखू ना बच्चे प्रॉब्लम क्या है ए बी बी सी और सी ए ऐसा दिया हुआ है अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो क्या मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी एबीसी की चार पांच चार नौ तीन बारह तो आप बोलोगे कि ये जो निकली है ना सर एफिशिएंसी ये डबल है. क्या है डबल एबीसी टुगेदर से डबल है क्यों है देखो अगर मैं बोलूंगा ए प्लस बी की एफिशिएंसी प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी ए कितनी बार रिपीट हुआ दो बार बी कितनी बार रिपीट हुआ दो बार सी कितनी बार रिपीट हुआ दो बार दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा डबल ऑफ ए बी सी तो मतलब है, है तो कितनी निकली बारह चाय प्रतिदिन तो ए बी सी तीनों मिलकर इसकी आधी चाय पियेंगे भाई ये तो उनकी डबल एफिशिएंसी थी छह चाय पियेंगे एक दिन में अगर वो छ चाय पियेंगे एक दिन में अगर मैं बोलूं ए प्लस बी प्लस सी तो टोटल काम था साठ चाय पीने एक दिन में कितनी चाय पी लेंगे वो? दस चाय क्लियर अब इसमें यह भी पूछा जा सकता था बताओ ए अकेला दिन ओ, कित, कितने दिन में चाय पिएगा ओ सॉरी सॉरी कितने कितने दिन दिन में में नहीं काम पूरा करेगा चाय चाय दौड़ने लगा लगे कितने दिन में काम को पूरा करेगा बी कितने दिन में करेगा सी कितने दिन में करेगा इंडिविजुअली अकेले तो आप कैसे निकालोगे बहुत सम आसान है बिल्कुल ऐसा समझो कि आप ही लोग हो यहाँ पर आपको सिंपल पता करना है कि आप आपको ये पता है कि दो दो के ग्रुप में आप कितनी कितनी आ, दिन में काम कर रहे हो आपको यह पता है कि तीन लोग मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे अब आपसे पूछा जाए बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा तो बताओ टोटल वर्क तो आपके पास है बट एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ना ए बी सी की कैसे निकलेगी तो देखो जब आपको बोला जाए ए की एफिशियंसी निकालनी तो आपके पास टोटल ए बी सी की एफिशियंसी है बोलो हाँ है ना है बोलोगे हाँ है बिल्कुल है कितनी है छह चाय पर डे पीने की तो जब मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो मुझे बी और सी को हटाना पड़ेगा तो बी और सी के साथ में एफिशिएंसी दी गई है ना चलो अब यहां पर बी और सी की थी, चार चाय पीने की तो छे में से चार घटा दो बचेगी किसकी एफिशियंसी अकेले ए की कितनी हो गई दो चाय प्रतिदिन समझो कैसे निकाल रहा हूं मैं यहां पर सॉल्व कैसे कर रहा हूं उस चीज को समझो उस कंसेप्ट को समझो है ना अब अगर मैं पूछू बी उस काम को कितने दिन में अकेला पूरा करेगा तो देखो बी की अगर मैं अकेले पूछ रहा हूं ना तो मुझे ए और सी को हटाना पड़ेगा और ए सी की साथ में दी गई है ना तीन घटा दो कितना तीन चाय प्रति ऐसे ही सी की निकालना है तो ए और बी को घटाना पड़ेगा और ए बी की साथ में है पांच छे में से पांच गया तो एक चाय प्रति क्लियर अब मुझे इनकी एफिशिएंसी पता तो टाइम तो आसानी से निकाल ही लेंगे क्लियर है चलो ये भी आपके लिए होमवर्क है आप टाइम निकाल लेना आसानी से ए कितने दिन में करेगा बी कितने दिन में करेगा सी कितने दिन में करेगा एफिशिएंसी मैंने आपको निकाल के दे दी है चलो अब आते हैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जहां पर कोई भी आएगा भाई काम ज्वाइन भी कर सकता है काम छोड़ के भी भाग सकता है समझ रहे ज्वाइन भी कर सकता है छोड़ भी सकता है एग्जिट भी कर सकता है इस टाइप की जब सिचुएशन आएगी है ना तो आप कैसे हैंडल आउट करोगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अब यहां अगर मैं देखूं तो ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली क्लियर ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ वर्क एंड आफ्टर फाइव डेज बी लेफ्ट द वर्क सॉरी ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर फाइव डेज बी लेफ्ट द वर्क यहां क्या दिया गया है भाई

रट के क्वेश्चन देख लेते हैं दो चार बार प्रैक्टिस कर लिया तो एक ही सीक्वेंस में सॉल्व हो जाता है इनमें सिचुएशन चेंज होती रहती है थोड़ी तो समझो बात को सबसे पहले बेसिक तो सेम ही होने वाले ए और बी की बात हो रही है उनका टाइम दिया गया तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले टोटल वर्क तो हमारा रूटीन वर्क है वो निकालो कितनी चाय पियोगे है ना चलो ठीक है तो ए और बी अकेले काम को बीस और पच्चीस दिन में कर रहे थे चलो ठीक है अब एफिशिएंसी निकालने का एक और तरीका है मैंने आपको बताया टाइम को रिवर्स भी कर सकते हो पच्चीस करते बाय आ जाता इस तरीके से भी आप कर सकते हो और जब एफिशिएंसी आ जाए तो उससे फिर आप मल्टीप्लाई कर दो टाइम का किसी भी एक का है ना एक ए को ले लिया तो उसी के टाइम एफिशियंसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क वहां से भी निकल सकता है अब देखो बीस और पच्चीस पच्चीस बड़ा अंक है पच्चीस में बीस का डिवाइड कहाँ होगा पच्चीस में नहीं होगा पचास नहीं पच्चीस नहीं ट्वेंटी हो जाएगा तो सौ चाय टेट था बीमार हो सकता है चलो ठीक है यहाँ हमको समझते चलना है ठीक अब बात आती है सिंपल से एफिशिएंसी की और यहाँ पर जो चाय वाला कंसेप्ट बताया ना यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाला डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी से काउंट का, कर सकते हो इसलिए चुना मैंने चाय को ठीक है बहुत आसानी से दिमाग में भी रहेगी कि घर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप क्या मान लो मेहमान आए हुए हैं कोई फंक्शन है उसमें दे रहे हो आप इतनी चाय है ना ए और बी बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं चल ए बीस दिन में सौ चाय तो एक दिन में पांच चाय बी पच्चीस दिन में सौ चाय तो एक दिन में चार चाय भाई सीधा सीधा ना हंड्रेड बाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये भी निकाल लिया मैंने अब उनने क्या बोला देखो क्यों निकाला ये बहुत जरूरी था क्योंकि उनने बोला आपको ए और बी ने मिलकर काम करना चालू किया अब यहां पर काम बटेगा इसलिए मैंने एक लाइन बनाई है है ना अब यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा आपको चलो ठीक है पहले ये हो गया अब किसने काम छोड़ा पांच दिन बाद मतलब इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया फाइव डेज तक तो किया ही किया। फिर उसके बाद बी ने काम से एग्जेक्टली और ए काम करेगा ठीक है तो अब ये पूछ रहे हैं ये जो बचा हुआ काम है ना वेट। ये जो बचा हुआ काम है ना ये एक दिन में करेगा ये मान लो ये क्या है ये जो ये टोटल वर्क कितनी चाय पीने का सौ चाय भाई यहां पर W1 काम हुआ और ये क्या है ये इनिशियल काम है स्टार्टिंग का काम है W1 मान लो ये रिमेनिंग वर्क को मैंने WR से रिप्रेजेंट किया मतलब बचा हुआ कार्य ये पता करना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा भाई शेष कार्य को है ना तो चलो अब इसमें बच्चे सोचते कि कैसे करें यहाँ तो पांच दिन दिया अभी तक हमें पता था टोटल निकालते थे करते थे एफिशिएंसी डिवाइड करते हो जाता था इसका भी पूछते थे यहाँ तो कुछ अलग पूछा देखो समझो पांच दिन का काम कितना हो जाएगा कंप्लीट यहाँ क्या निकालना है ना कितना काम ये काम कितने दिन में होगा तो आपको ये पता है कितना काम बचा है कितना हो गया तो बचा हुआ काम को एक ही एफिशिएंसी के हिसाब से हो जाएगा भाई एक ही एफिशिएंसी पता है चार चाय पीता है एक दिन में है ना अब वर्क कितना बचा है वो पता हो तो चार से डिवाइड कर दो तो उतने दिन में काम हो जाएगा लेकिन यहां पर क्या कंसेप्ट लगाओ देख ए और बी पांच दिन तक काम करें तो एक दिन में वो कितनी चाय पी सकते हैं एक दिन में दे कैन हैव फोर प्लस फाइव प्लस फोर चाय है ना पर डे दिस इज प्लस बी ए प्लस बी की चाय पर पीने की. क्योंकि पांच ए पी रहा चार बी तो पांच दिन में कितना काम कर लेंगे वो नौ मल्टीप्लाई फाइव फोर्टी फाइव कप्स ऑफ टी फिनिश कर दें बच्चे की कितने रे ये बताओ पचपन सौ में से घटा दो भाई टोटल काम तो सौ का था हंड्रेड डेज नहीं ये टोटल चाय है. सौ so, चाय का था अब पैतालीस माइनस कर दो तो पचपन चाय बच्ची अब जो ए है वो शेष कार्य को कितने दिन में करेगा तो आप बोलोगे ए को करना है ना तो टाइम आसानी से निकाल लोगे रिमेनिंग टास्क को तो टी आर को कंप्लीट तो बोल समय मैं और आसानी से पचपन आपका बचा हुआ कार्य है वो लिखो कितना काम करना था कितनी चाय पीनी थी पचपन एक दिन में कितनी पीते हो चार डिवाइड कर दो समझ में आया कंसेप्ट किस हिसाब से आपको बांटने का काम तो वही है भाई कितना हो गया अब बचा कितना है? वो ए एक करेगा ए की इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू है ना अब इसमें ये बोल सकते थे कि 40 परसेंट काम अब आपसे एक चीज और पहले वो डिस्कस कर लेते हैं देखो रिमेनिंग वर्क एंड टोटल वर्क देर इज अग डिफरेंस रिमेनिंग वर्क मतलब वो स्पेसिफिक बचे हुए काम की बात टोटल वर्क का मतलब कुल कार्य अगर वो टोटल पूछता आपसे तो आपको फिर वो पांच दिनों का कार्य भी जोड़ना पड़ता कि स्टार्टिंग में पांच दिन काम हुआ था बाद में तेरह तीन बाय चार दिन काम हुआ तो मतलब टोटल अठारह थ्री बायर डेज हो जाता तो आपको लैंग्वेज भी समझनी कि वो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन ठीक है होप सो इट इज क्लियर अगले पे चलते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एटीन डेज एंड फोर्टीन डेज

साथ में काम कर रहे थे और एक ने छोड़ा लिविंग पे बेस था गुड आफ्टरनून तो तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा समझो बात को एक फुल एक ही बार में नहीं काम पूरा हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है स्लॉट हो रहा है कोई ज्वाइन कर रहा है कोई लेफ्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपको स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे कितने स्लॉट्स में काम हुआ है सो यू कैन हियर एक्स स्टार्टेड द वर्क तो एक्स ने स्टार्ट किया ठीक है, है तीन दिन बाद वाई काम पूरा होने तक शामिल हो गया ठीक है यदुवंश हो पूरा कंप्लीट होगा देख लिया मैंने आपका गो थ्रू कर लिया सिलेबस दट ऑल इज गोइंग टू कंप्लीट हिराइट ठीक है सारी चीजें कंप्लीट होंगी अपना जो कोर्स चल रहा है ना इसमें फाउंडेशन बैच में एवरीथिंग आपका भी मैंने देख लिया था ठीक है चल एक्स स्टार्टेड ने आफ्टर थ्री डेज वाई ज्वाइंड ज्वाइंट एक्स ने छोड़ा नहीं वाई ने ज्वाइन कर लिया उसे तो X plus y. अब समझ गया आप किस तरीके से आपको पहले तो अप्रोच रखनी है ना किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है अब देखो x 18 दिन में करा था पहले हम लोग टोटल वर्क और एफिशिएंसी भी निकाल लेते नहीं तो बोलोगे सर हाँ अब देखो यार 18 और 14 दिया है थोड़ा सा इनमें ज्यादा कोई कॉमन को, फैक्टर है नहीं दो ही कॉमन फैक्टर है इनके अंदर तो अगर मैं टेबल में भी देखू ना तो 18 और 14 में फिर थोड़ा हमको आगे तक देखना पड़ेगा चलो ठीक है आसानी से हो भी जाएगा ऐसा कुछ इतना भी नहीं है एटीन और फोर्टीन तो एटीन बड़ा नंबर है एटीन के टेबल में अब आप एटीन का टेबल काउंट करोगे तो थोड़ा आपको

वो निकल के आया है एक आएगा जाएगा अब देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे रिवर्स कर दो जब टाइम को रिवर्स करोगे तो यहां आएगा फोर्टीन रेशो एटीन ये और सिंप्लीफाई कर लो सेवन बाई एट ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है ओके ओके अभी फोकस करो जो चल रहा पर, है उस पर ठीक है ट्राई टू डू देट चलो एटीन रेशियो टू अभी क्लियर है अब आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि अगर समय दिया गया हो तो उसका रिवर्स कर दो तो एफिशियंसी रेशियो आ जाता है अब समय भी आपके पास है अब जैसे यहां से आप निकाल कैसे सकते थे देखो एक्स है ठीक है एक्स का आपको टाइम भी पता है एफिशियंसी भी पता है दोनों का मल्टीप्लाई कर दो टोटल वर्क आ जाएगा ठीक है क्योंकि एक्स अठारह दिन में काम कर रहा है प्रतिदिन वो सात चाय पीता है तो कितनी तो 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 है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे एक्स ने अकेले काम शुरू किया था तीन दिन बाद मतलब ये करेगा थ्री डेज तक वर्क इसने कितने दिन तक काम किया थ्री डे सो हाउ लॉन्ग दे डिड द वर्क ये आपसे यहां पर पूछा गया उन्होंने कितने समय तक काम किया ठीक है पूरा काम नहीं दे वर्क। उन लोगों ने जब वाई कर लेता है ना कंप्लीशन ऑफ द वर्क तो कितने लंबे समय तक काम किया तो आप यहां पर सिंपल समझो बात को एक्स कितने दिन में काम पूरा कर रहा है थ्री डेज में अब एक्स की एफिशिएंसी कितनी है सात चाय पर डे एक्स की क्या है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दो मतलब उसने कितना पिया इक्कीस चाय फिनिश कर चुका बची कितनी 105 चाय क्योंकि टोटल कितना था 126 था तो पहले आप ये देखो जो कंप्लीट टोटल दी उसमें कितना काम पूरा हो गया बचा हुआ काम xy पे आया अब xy 105 चाय पीएगा ठीक है अब हमको ये पता है कि दोनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी सात और यहां नौ होगा सॉरी आठ नहीं सात और नौ 16 है ना x और y की एफिशिएंसी अगर मैं टुगेदर देखूं तो x और y मिलकर 16 चाय पी सकते हैं एक दिन में तो एक चाय कितने दिन में पियगे क्योंकि ये रिमेनिंग टास्क है तो आप बोलोगे 105 सौ पांच सोलह है ना अब 16 से डिवाइड कर लो यार आप ठीक है सभी लोग ध्यान में रखो सिक्स uh, टाइम्स हो जाएगा कैंसिल सिक्स बाय नाइन है ना यहाँ पर क्या हुआ सिक्स टाइम्स सिक्सटीन सिक्स नाइनटी सिक्स ठीक है और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका नौ सॉरी नौ सिक्स नाइन बाय सिक्सटीन आ जाएगा क्लियर है 6, 9 by 16 days. तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है किस तरीके से सॉल्व करना है किस तरीके से कंपैरिजन करना है एफिशिएंसी का एक तरीका बता दिया मैंने निकालने का इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है यदुवंश बट जब क्लास चल रही हो ना बाद में लिख दिया करो एट दी एंड भले ही बट बी फोकस्ड है ना चल। और आंसर किया करो जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है मैंने आपको बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया बिल्कुल स्क्रेच से स्टार्ट किया अब हम क्वेश्चन के लेवल को है ना धीरे धीरे आगे बढ़ाते चल रहे है। क्लियर है चलो लेवल बढ़ता जा रहा है तो अब यहां आपको समझना सिचुएशन और केसेस को कैसे हैंडल करें कुछ भी रॉकेट साइंस में आपको ये भी दिमाग में नहीं रखना है कि इस केस को रट लू उस केस को रट लू नहीं आपको समझना है जो मैं बता रहा हूं बस उसको समझो उसको नॉर्मल एक काम का डिस्ट्रीब्यूशन समझो आप समझ गए ना जाओ आप कैसे भी सॉल्व कर लो मैं उसमें कुछ भी एड ऑन कर दू ठीक है चल ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन एट डेज ए एक काम को आठ दिन में पूरा कर रहा है बी उसी काम को दस दिन में पूरा कर रहा है ये दिया गया है एंड सी इन टेज चलो ठीक है भाई C उस काम को बारह दिन में पूरा कर ठीक है अब यहां देख लो आप जो एफिशियंसी है बी एंड सी टूगेदर वर्क फॉर थ्री डेज एंड सी लेक अब यहाँ पर पहले नंबर जो मेरा टास्क है पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं है ना फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखो जो नॉर्मल टास्क है कि भाई टोटल वर्क निकालना है एफिशियंसी निकालना उसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं तो वो तो आपको स्टार्टिंग में कर ही लेना है पहले रीड आउट कर लो पूरा डेटा ठीक है बी एंड सी टूगेदर वर्क फॉर थ्री डेज ठीक है बी और सी 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 ने ने दिन तीन दिन तक काम काम किया देन लेफ्ट द वर्क फिर फिर किसने छोड़ दिया एंड ए ए कर लिया ठीक है इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड तो बचा हुआ काम कितने दिन में यहां पर टोटल वर्क फिर से नहीं पूछा गया यहां पर पूछा गया बचा हुआ कार जो रिमेनिंग वर्क था वो पर्टिकुलरली कितने दिन में पूरा होगा क्लियर है जल्दी बताओ क्लियर है फट। तो अब यहां पर LCM ले ट्वेल्व फाइव सर सिक्सटी में ट्वेल्व टेन सर वन ट्वेंटी में तो सिक्सटी में एट का डिवाइड होगा नहीं होगा लेकिन एट का डिवाइडी में हो जाता है तो यहाँ पर आपका जो टोटल वर्क आने वाला है आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ दी गिवन टाइम है ना यहाँ पर जो आपका टोटल वर्क आएगा वो आ जाएगा 120 चाय आपको कितनी चाय पीनी है आपको 120 चाय पीनी है ठीक है मतलब कोई भी जो पूरा काम करना चाहता है पूरा काम है 120 कप चाय फिनिश करने का है ना आपको चाय अदरक की चाय हो जैसा मैंने आपको बोला ग्रीन टी हो लेमन टी हो वो आपके ऊपर है चलो अब आठ दस बारह आठ दिन में एक सौ बीस चाय तो एक दिन बहुत ज्यादा पी रहा भाई पंद्रह एक सौ बीस आठ करोगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह बहुत ज्यादा चाय पी रहा है, तो है, तो बा, है? हाँ चलो ये हो गया आपका अब आपसे पूछा गया ये नहीं पूछा अब ए कितने दिन में करेगा बी कितने दिन में करेगा सी कितने दिन में करेगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे कुछ नहीं पूछा इजी क्वेश्चन आपसे वो आप निकाल लेना हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना उसकी वो बात अलग है अब सिचुएशन डिफरेंस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है कभी कोई ज्वाइन कर रहा है कभी कोई छोड़ दे रहा है तो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन सीने काम पूरा होने से uh... वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है हिंदी में जो मैंने दिया है है ना माय मिस्टेक हिंदी में थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया आप इंग्लिश वाला मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूं बच्चों ठीक है माय मिस्टेक मेरे एंड से मिस्टेक है

तो वो सहन नहीं कर पाया चाय को डोज ज्यादा हो गया वो उसकी बैंक बच गई मान लो आप तो इतनी चाय पिएगा तो यही होगा भाई है एसिडिटी गैस बैंक बच जाएगी चलो देन सी लेफ्ट द वर्क एंड ए रिप्लेस्ड हिम बी प्रो प्लेयर था बी टिका फिर उससे भी बड़ा प्रो प्लेयर आया ए पन्ना चाय एक दिन में पीता था तो ए और बी मिलकर

आप लोग ही बताना आप में से कौन कितने चाय पीता है एक दिन में बिल्कुल है ना लेकिन ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए है ना इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बारह सत्ताईस इतना प्रो कोई मत होना और जितना इस क्वेश्चन में हो रहा है क्वेश्चन की कंडीशन है बस ठीक है क्वेश्चन में दिया गया अब सत्ताईस चाय एक दिन में पियेंगे तो फिफ्टी फोर कितने दिन में कर लेंगे आप बताओ सत्ताईस चाय एक दिन में कोई पीता है तो फिफ्टी फोर कितने दिन में पी लेगा दो दिन लगेंगे बस उस तो इन दोनों प्रो प्लेयर्स ने बचा हुआ काम दो दिन में फिनिश करके बोला कटा काम फिनिश है ना तो यहां पर जो काम था कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है ना रिमेनिंग बचा हुआ काम तो वो दो दिन में और अगर मैं आपसे ये पूछता कि टोटल वर्क कितने दिन में हुआ तो आप फिर इनिशियल काम बी बी और सी ने तीन दिन किया था और बाद में दो दिन और हुआ पांच दिन होता ठीक है समझ में आया कि नहीं आया बहुत अच्छे ये दुअंश अबाउट अदर्स अब देखो पिछला वाला जो हिंदी में ट्रांसलेटेड था ना वो ये रहा ये वाला क्वेश्चन है वेरी गुड गुड जॉब चलिए अब फटाफट से ट्राई करिए हिंदी वाला क्वेश्चन यहां से रीड कर लो एक बार है ना देखो मैं कर देता हूं आपके लिए ए बी सी क्रमशः एक काम को 24, 30 और 40 दिन करते तो देखो सीधी सीधी बात है फटाफट से एलसीएम निकालो और इनकी एफिशिएंसी निकाल लो उन्होंने सात काम करना शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से चार दिन पहले काम छोड़ दिया यहां पर लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है

ये किसकी बात हो रही है A, B and C. ये बहुत होते हैं. क्यों नाम जब हमें लेना हो नाम कंसिडर करना हो, सी को लेटर्स -फड़ चलो ताँग. अब efficiency. तो देखो चौबीस तीस और चालीस कौन सा अंक बड़ा? चालीस चालीस के टेबल में तीस का होता है नहीं चालीस में तो नहीं जाता चालीस दुनिया अस्सी में भी नहीं जाता चालीस एक सौ बीस फोर्टी थ्री सर वन ट्वेंटी में तीस का जाता है चौबीस का भी. 24, 5, 120. थर्टी फोर सर वन ट्वेंटी तो एक सौ बीस चाय यहाँ पर भी पी पीनी भाई एक सौ बीस बाय चालीस तीन चाय एक दिन में क्लियर है सभी को फटाफट -फड़ बताओ यह हमने निकाल लिया अब हमसे सिचुएशन क्या पूछी गई है यहां पर हम बनाएंगे आप अपनी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है बहुत बढ़िया यहाँ पर चार क्या बोल रहे हो बताओ आंसर है क्या तुम्हारा चार तीन यदि वन चार है कि तीन आंसर है ये बताओ दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट फोर डेज बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ वर्क अब देखो दे बिगिन द वर्क टुगेदर मतलब उनने साथ में काम स्टार्ट किया था बट हो बाद उसमें सी निकला जिसको नहीं हो पाया भाई मैं अब नहीं पी सकता चाय

ये पांच चार तीन ये तीनों की एक साथ अगर एफिशिएंसी निकालू मैं एबीसी की तो उनकी एफिशिएंसी कैसी है कि पांच चार और तीन तो कितनी आ जाएगी वेरी गुड बहुत बढ़िया एफिशिएंसी बोल रहे थे वेरी गुड बारह चार है ना ये उनकी एफिशिएंसी हो जाती तीनों की मिलकर जब मैं बोलता तीनों को मिला दो है ना अब यहां पर स्टार्टिंग में तो तीनों ही काम कर रहे हैं तो चलो एफिशिएंसी यहां लिख दो एफिशिएंसी लिखी आपने इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई बारह चाय प्रतिदिन पीने की ठीक है टीस पर डे पीने की ठीक है अब यहाँ कितने दिन तक काम किया पता है क्या स्टार्टिंग का तो हमें नहीं पता हमें एक चीज पता है कि जो भी था ए और बी ने जो काम किया उनने लिखा सी लेफ्ट सी ने काम कब छोड़ा चार दिन पहले मतलब ए और बी ने चार दिन तक काम किया आखिरी में क्योंकि काम पूरा होने के चार दिन पहले सी छोड़ के गया मतलब ए और बी ने कितने दिन तक काम किया बाद में चार दिन तक तभी तो हमने रेफरेंस लिया टोटल रहा हूं तो, नहीं तो लोग क्या करते हैं वही मैं आपको समझा रहा था कि टोटल क्या हुआ समझना बारह बारह चाय पर डे टोटल अगर ये काम करते साथ में तीनों सो कितने दिन लगते एक सौ बीस चाय कंप्लीट करने में दस दिन तो वो इस दस दिन में से चार घटा देते हैं बोलते छह दिन काम किया था अच्छा ए बी सी ने स्टार्टिंग तो जो था, है ना वो चार दिन का जो काम उनका है वो वाला छोड़ के गया और ए भी उस काम को करेंगे इस तरीके से गलत रीड आउट कर लेते हैं ये नहीं है ऐसा यहाँ पर सिंपल से बात सोचो चार दिन पहले तो अब वो ये थोड़ा ना फ्यूचर प्रोडिक्शन कर रहे हैं वो यहां पर सिंपल बोल रहे हैं कंडीशन नहीं पुट ऑन करी है कि अगर सी होता तो काम चार दिन राइट अगर सी जब होता तो जितने दिनों में काम होता उससे चार दिन पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा उनने। उनने सिंपल लिखा है, चार दिन पहले तो काम जब पूरा हुआ है ना तब बोला गया सी कहां है तू है, चार दिन पहले तू काम छोड़ के चला गया हम दोनों ने किया लास्ट के चार दिन समझ में आ रही बात बस अब जब आपको यह पता है तो एफिशिएंसी कितनी है पांच और चार नो चार दिन तक काम किया है तो आखिरी में कितनी चाय पीने बची थी भाई तो मतलब लास्ट में 36 पी है, तो पी A, B, न, में में चाय चाय बची हुई होगी ने स्टार्टिंग और कितनी होंगी वो सो से माइनस कर दो भाई तो एक सौ बीस में से जब मैं माइनस कर दूंगा थर्टी सिक्स तो बचेगा एट्टी फोर मतलब एट्टी फोर चाय पी एबीसी ने और जब इन लोगों ने एट्टी फोर चाय पी है तो कितने दिन तक काम किया होगा मतलब सो बारह चाय एक दिन में तो एट्टी फोर कितने दिन में तो आप बोलोगे एट्टी फोर बाय ट्वेल्व सेवन टाइम्स हो जाएगा कैंसिल मतलब यहां हुआ सात दिन काम और ये हुआ चार दिन क्लियर है बहुत बढ़िया सात दिन और चार दिन तो अब आपसे पूछा क्या गया था इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड टोटल वर्क वर्क कार्य कितने दिन में पूरा हुआ तो भाई सात दिन ये और आखिरी के चार दिन और सेवन प्लस फोर इलेवन भाई समझो पहली शिफ्ट में एबीसी ने पहले स्लॉट में एबीसी ने काम किया दूसरे स्लॉट में केवल ए और बी ने किया है ना अब आपसे ये भी पूछ सकते थे तो बताओ कितने दिनों बाद क्वेश्चन में एक कंडीशन और हो सकती थी कितने दिनों बाद एबीसी ने काम छोड़ा है सॉरी एबीसी ने नहीं सी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा था कितने दिन पहले छोड़ के गए तो पता था कितने दिन बाद छोड़ा तो आप बोलोगे सात दिन बाद भाई सेवन डेज तक तो काम किया ना उसके बाद ही छोड़ा है उसने काम है ना तो अब यहां पर ए बी सी टूगेदर कैन डू ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं क्वेश्चन बहुत अच्छी वैरायटी का नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस और करेंगे अभी इसमें बहुत वैरायटी है आपको धीरे धीरे पूरे कंसेप्ट बनने लगेंगे बच्चों आज मैंने कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा प्रैक्टिस कर लेना प्योरली अगर आपको ये समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ अप्रोच समझ में आ गई ना तो आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं होगी रटना नहीं है हमको कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ समझो बहुत आसानी से है ना जैसे मैंने आपको बताया है अगर उस अप्रोच के साथ आप कंसेप्ट को डेवलप कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से किसी भी टाइप का वैरायटी आ जाए आपके सामने वो क्वेश्चन की कंडीशन को कहीं से कहीं ले जाए आप कर लोगे सॉरी कहीं से कहीं क्या वहीं तो थोड़ा बहुत वर्क कहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट्स इट ठीक है चलो तो कोई डाउट है फटाफट चैट बॉक्स में बाकी लोग भी बताएं मुझे किसी तरीके का कोई डाउट हो तो इसे मैं ट्रांसलेट कर दूंगा बिल्कुल एंड अगर अभी तक आपने अपने like तो okay, <coughs> आप लोगों से ये तो एक्सपेक्ट में कर ही सकता हूँ यू आर दी एनर्जी बूस्टर राइट माई एनर्जी बूस्टर आप ही लोग तो मोटिवेशन ठीक है चलिए तो ये देखो एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इन हिंदी आल्सो इट इज दी फॉर यू ऑल एबीसी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन टेन डेज एबीसी एक काम को मिलकर दस दिनों में पूरा कर तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना चालू किया तीनों ने है ना एक साथ काम करा आफ्टर फोर डेज ए लेफ्ट चार दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया देखो यहां मैं लैंग्वेज आपको समझा दे रहा हूं क्वेश्चन की एबीसी जो है वो एक काम को दस दिन में पूरा कर सकते कितने दिन में दस दिन में ये दिया गया बट क्या हुआ तीनों ने काम चालू किया है उनने ऐसा दिया और चार दिन तक कितने दिन तक काम किया चार दिन तक उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया देन बी सी टूगेदर कंप्लीटेड द वर्क इन टेन मोर डेज अब बी और सी जो हैं वो कितने एक्स्ट्रा डे ले रहे हैं टेकिंग टेन डेज एक्स्ट्रा ठीक है ये बहुत अच्छी सिचुएशन है राइट टू कंप्लीट द वर्क मतलब जब ए होता तो दस दिन कम लगते लेकिन अब दस दिन ज्यादा लग रहे हैं उससे जो भी काम राइट एबीसी करते हैं, उससे दस दिन ज्यादा लग रहे हैं ओके 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 सो यदुवंश किस कॉलेज में हो आप आई हैव गॉन थ्रू योर सिलेबस ऑल्सो सब कुछ कवर होगा यहाँ पर बहुत डेप्थ में होगा क्लियर ठीक है ओके सो सभी लोग जो हैं भाई अगर कोई क्वेरी है किसी को कोई डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और आप लोगों के लिए एक और अपडेट है भाई जल्द ना दो अक्टूबर तक के लिए भी स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस सेशंस में लेके आऊंगा और बीपीएस के लिए बीपीएस प्रोफाइल के लिए भी देखो हम लोग यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला था सेक्टर है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जो जो ओपनिंग्स आपकी आती हैं सभी को टारगेट करते हुए मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं है ना या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉलेज में भी अगर आप हाँ हो तो सारी चीजों को ओके okay. सो so, है ना सारी चीजें मैं आपको कवर कराता हुआ चल रहा हूँ डेप्थ में कर रहे हैं और ये आपका फाउंडेशन बैच है तो इसमें हर एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा ठीक है सो Hope so, आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा है ना सो शेयर विदर्सो मिलते हैं अगले सेशन में जल्द ही आप लोगों के साथ ठीक न... <coughs> है तो देखिए वही मैंने आपको अभी बोला है TCS एंड क्यू टी और बीपीएस हायरिंग का जो मैंने आपको बताया था बीपीएस हायरिंग की तो 20 अक्टूबर uh, को है पेपर उसका ट्वेंटी भी हायरिंग कई जगह चल रही है आपको मैं अगर बता दूं, तो नागपुर में और अहमदाबाद में है ना? तो टीसीएस के सेंटर में ही हायरिंग होने वाली है, है ना नागपुर और अहमदाबाद दोनों जगह पर क्लियर है तो दोनों जगह पर मैं उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा तो कोई वहां बिलोंग करता है सो ही कैन रीच आउट देयर ठीक है किसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वहां पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं आप जो ऑफ कैंपस ड्राइव है वहां पर और वहां पर आई थिंक टू थाउजेंड से भी राइट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एक बार मुझे गो थ्रू और करना पड़ेगा मैं आपके लिए अपडेट लाऊंगा तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं बट आई हैव टू चेक इट वंस ठीक है एक बार और चेक करना पड़ेगा मुझे ठीक है तो आप लोगों के लिए और भी सेशन में प्लान कर रहा हूँ इन फ्यूचर जो आप लोग के लिए जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन जिसमें आप और अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ बट आपको ये जो है फाउंडेशन बैच ये बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है क्योंकि अगर ये आपका क्लियर है तो आपको कहीं किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आने वाली ठीक है तो चलिए ठीक है और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक प्ले स्टोर पे कोर्सेज हैं टेस्ट सीरीज है सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल स्टडी मटेरियल एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग देयर तो वहां पर जाके आप पेड कोर्स भी देख सकते हैं बहुत ही प्राइस में हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है और उसके अलावा फ्री क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं एज है क्लासेस तो मैंने जैसे पहले भी बताया था क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं आपके लिए वहां पर जो पेड कोर्स है वहां पर मेरी पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे मेरे आपको वहां पर है ना और स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इन दैट पेड कोर्स तो ऐप दी गई ऐप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके सो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग विद शेयरिंग विद अदर्स है ना कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग विद बाय थैंक यू सो मच